वेलकम टू फ्यूचर यादव चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैं कोई आपको टूल वगैरह की वीडियो नहीं दिखाऊंगा। काफ़ी कारपेंटर भाइयों के ये ज़्यादातर रहता है कि स्किल इंडिया से हम कैसे जुड़ें, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। मेरे साथ है स्किल इंडिया के राहुल मेहता जो उनसे CEO हैं, और दोस्तों इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में हम। नमस्कार अनवारी जी। सर, ज़्यादातर ना समस्या जैसे नए कारपेंटर हैं उनकी समस्या यही रहती है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं स्किल इंडिया से, तो कैसे जुड़े। कई कारपेंटर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो जैसे उनको वेबसाइट वगैरह नहीं चलानी आती, तो नॉर्मल से आपका जैसे कोई फ़ोन नंबर हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो कि आपसे ज़्यादा जुड़ना चाहते, जैसे अपना गाँव का कारपेंटर है वो आपसे कैसे जुड़े, वो स्किल एक स्किल क्या चीज़ है भी, इसको क्या कहते हैं आपको, ये चीज़ें इन चीज़ों को सर बताइए। ठीक है बनमरी जी, धन्यवाद ये मौका देने के लिए और रूबरू होने के लिए सारे कारपेंटर भाइयों से, विश्वकर्मा भाइयों से। आपने जो सबसे पहला सवाल पूछा कि हमसे जुड़े कैसे, हाँ जी, उसका बहुत ही आसान तरीका हमने कर दिया है। हमने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए कि वेबसाइट नहीं चला सकते हैं या फिर कोई और दिक्कतें आती हैं, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखेगा, आप इस नंबर पर अपना नाम और आप कौन सी लोकेशन पर हैं, कौन सी जगह से आप हैं, वो उस पर बस मैसेज कर दें या इसके ऊपर मिस कॉल दे के छोड़ दें, तो हमारी टीम आपको रिवर्ट कर जाएगी। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। जो आपने पूछा स्किल आखिर है क्या, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमें स्किल का मतलब ही समझ में नहीं आता, स्किल इंडिया का मतलब समझ में नहीं आता। स्किल इंडिया बेसिकली एक मुहिम है जिसके थ्रू आप अपने हुनर को बढ़ा सकें या आप कोई नया हुनर हासिल कर सकें, जिसके थ्रू आपका जो जीवन है, आपका जो करियर है, आपका जो एक दिनचर्या है, वो और अगले लेवल पर पहुँच सके। जैसे अभी आप देखते हैं 20 साल पहले, 30 साल पहले बात अलग थी। हाँ जी, तब हम काम कैसे सीखते थे भाई, काम हमने बाबा दादा से सीख लिया, हमने काम करते करते सीख लिया। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, उसी तरह से विदेशों के अंदर में कारपेंट्री की, वुडवर्किंग की, इसकी भी पढ़ाई बहुत तरीके से की जाती है। अमूमन हमारे यहाँ पर कारपेंटर को एक कारपेंटर बनने के अंदर बड़ा समय लग जाता है, और देखेंगे तो आज अगली पीढ़ी आना नहीं चाहती, बोलती बहुत गंदगी है, बहुत डर्ट होता है, ये नहीं होता है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि जिस तरह के टूल्स आप यहाँ पर दिखाते हो, यूज़ करते हो, वो यूज़ करके एक वो इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं, एक वुड इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं। तो वो जो हुनर है, उस हुनर को सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से हम हासिल कैसे करें, उसकी ट्रेनिंग कराने की हम बात करते हैं। और वो ट्रेनिंग करने से आज के चलते जो पहले था, अपॉर्चुनिटी कम थी। पहले इंसान एक कारपेंटर से, एक हेल्पर से कारपेंटर बहुत समय बनता था, फिर कारपेंटर से कॉन्ट्रैक्टर बनता था, कॉन्ट्रैक्टर से कॉर्पोरेट। आज इतनी अपॉर्चुनिटी है, और आप देख रहे हैं हर जगह पर कोविड के बाद में लोग इंटीरियर काम ज़्यादा करा रहे हैं, हर जगह पर कारपेंटर की डिमांड ज़्यादा हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर की डिमांड ज़्यादा हो रही है। वो चाह रहे हैं कि भाई हमारा भी घर अच्छा सुंदर बने, लेकिन उस हुनर के लोग जो उसको एक रूपरेखा दे सके, उसको एक उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को सही बना सके, वो मिल नहीं रहे, वो कम हो गए हैं मार्केट में। तो जब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, तो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, एक मौका मिल रहा है कि अगर हमने ये हुनर पा लिया तो हम भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आजकल नए टूल्स को यूज़ करके, नए टेक्निक्स को यूज़ करके, नए तरीकों को यूज़ करके कारपेंटर भाई ही नहीं, बल्कि जो नया बच्चा भी कोई आज जुड़ना चाहता है, वो फील्ड में सही ट्रेनिंग के थ्रू बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़ सकता है। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ मैं और पूछना आपके चाहता हूँ। सर, जैसे कारपेंटर आपके पास आता है स्किल इंडिया में, तो सर उसकी एज कितनी होनी चाहिए आपसे जुड़ने के लिए, सीखने के लिए? जैसे शुरू में बच्चा आया आपके पास, जी भाई एज कितनी होनी चाहिए उसकी? ये देखिए, सवाल का जवाब तो मुझसे ज़्यादा अच्छा आप दे सकती हो। आपने कब चालू किया था काम? मुझे पक्का पता है कि आपने करीबन 12-14 की उम्र में काम चालू कर लिया होगा। मैंने बिल्कुल राइट। हमारे यहाँ माँ बाप थोड़ा डरते हैं, चाहते हैं कि भैया हाथ में ये चाकू कैसे दे दें, हाथ में सौ कैसे दे दें, हाथ के अंदर में ये औजार कैसे पकड़ा दें। लेकिन आप जानते हैं कि इसके अंदर में जो पकड़ा बच्चा सीख जाता है शुरुआत में भी, वो अच्छा पकड़ के चल जाता है। लेकिन अमूमन क्योंकि कई रिस्ट्रिक्शन भी दी जाती है, तो हम 14 साल की उम्र को मिनिमम मान के चलते हैं कि 14 साल की उम्र के ऊपर में जो भी इंसान सीखना चाहता है वो सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। हालांकि मैं अगर विदेशों की बात करूं, तो वहाँ पर बच्चों को मेकर्स लैब के थ्रू, जो बच्चा 6 क्लास में भी होता है, 8-10 साल के बच्चे भी है, उनको भी सिखाने का काम चालू करते हैं, जो कि आप इसमें देख पाएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये केवल हमारे दिमाग में है, बच्चा सीखता हुआ शुरुआत से भी सीख सकता है। तो अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग अवधि से चालू हो जाते हैं, लेकिन 14 साल एक अच्छी उम्र है जहाँ पर बंदा ये काम सीखना चालू कर सकता है और उसके आगे बढ़ सकता है। दोस्तों ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, हमेशा या मेरी दुकान पर भी काफ़ी आते हैं
कि इसकी उम्र कितनी। उम्र तो सर दोस्तों जोन सी इसके बच्चे के लिए चाहिए ना 14 से 15 साल होती है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चा थोड़ा सा छोटा होता है, उस्ताद की डांट वगैरह भी यानी कि सहन कर लेता है, कुछ बात उसको कहनी होती है वो भी वो कर लेता है। अगर बराबर का होगा तो उसको उस्ताद उसको क्या डांटेगा। तो मेरे फादर हमेशा यही कहते थे, जब बंदा नाराज हो जाता कभी भी किसी काम से नाराज, तो वो हमेशा मुझे यही कहते, मैं भी कई बार टूट जाता था, मैं भी भाग आता था, ये काम काफ़ी मुश्किल है भाई, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक साइड पर जाते थे नया ही हमें काम मिलता था, नया ही हमें टूल तैयार करने पड़ते थे। तो दोस्तों उसके लिए मेरे फादर एक ही चीज़ बोलते थे, वो यही चीज़ बोलते थे कि बेटे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। क्यों राहुल जोरदार, क्या बात। अच्छा राहुल सर, काफ़ी ना कारपेंटर भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है कि वर्ल्ड लेवल में किस तरीके का वुड वर्किंग का काम होता है, इस पर भी जरा नज़र मारो। ठीक है, मैं आपको इसी बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, और मैं खासकर इसको वर्ल्ड स्किल्स का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके थ्रू बताना चाहूँगा। जिस तरह से हमारे यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है, उसी तरह से वहाँ पर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो बड़े सक्षम होते हैं। वहाँ पर प्रॉपर टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था होती है। मतलब कई जगह मानिए कि हमारे यहाँ के आईटीआई के अंदर में भी इतने टूल नहीं होते जितना एक बच्चा यूज़ करके वहाँ पर काम कर रहा होता है। अब मानिए वो सीखता है बच्चा, तो वो उसका लेवल भी उसी तरह से आगे बढ़ता है। वहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं, जैसे हमने कहा भी हमने पापा से सीखा, दादा से सीखा, उसके करा, वहाँ पर ट्रेनर 20-20, 25-25, 30-30 सालों से लगे हुए हैं। कई ट्रेनर जो हमें वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में मिले वो खुद आज से 25 साल पहले 30 साल पहले कॉम्पिटिटर थे, वो अपने यहाँ पर सीखे, उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, आगे पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद में वो वहाँ पर लोगों को लगातार सिखा जा रहे हैं। जिस तरह से भी आपने आपके माध्यम से लोगों को इस तरह YouTube के थ्रू सिखाना चालू किया है, वो वैसा वहाँ पर रेगुलरली सिखा रहे हैं। अब मानिए अगर आप ही के जैसे 100 लोग अगर जो जानते हैं, जानकारी रखते हैं, वो सिखाना चालू कर देंगे, तो हमारे देश का बच्चा जो भले फ्रेशर हो, जिसको कारपेंट्री के बारे में कुछ नहीं आता, वुडवर्किंग के बारे में कुछ नहीं आता, वो भी किस लेवल तक पहुँच जाएगा। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि हम विश्वकर्मा की धरती के हैं, क्योंकि मैं खुद एक रामगढ़ी हूँ, क्योंकि हमारा जो सा ब्लड रिलेशन है विश्वकर्मा जी, तो हमारा काफ़ी ना हमारा इंडिया वुडवर्किंग से काफ़ी पीछे और देश से काफ़ी पीछे है सर। ये इसके लिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसमें मैं बात बोलना चाहूँगा कि हम शर्माते हैं, हम हिचकिचाते हैं कारपेंटर है तो कारपेंटर बोलने में। अरे कारपेंटर है तो डॉक्टर के आगे जैसे DR लगता है, इंजीनियर के आगे ER लगता है, वैसे कारपेंटर है हम, हमारे यहाँ CR लगना चाहिए। हमें आदमी को ये नहीं बोलना चाहिए मैं कारपेंटर हूँ, आदमी को बोलना चाहिए भाई मैं कारपेंटर हूँ। वो जब तक जज्बा हम नहीं लाएंगे, और आज मान के चलिए हमारे नई नई करते हो भी 15 से 20 लाख लोग हमारे विश्वकर्मा के अंदर में कारपेंटरी वगैरह काम करते होंगे, तो ये तो बहुत बड़ी आमदनी का सोर्स हो गया, और बहुत बड़ी आमदनी का सोर्स है बाकी उन परिवारों के लिए भी जो जुड़े हुए हैं। तो हम फक्र से क्यों नहीं बोलते, हमें फक्र से बोलना जरूरी है, क्योंकि हम इंडिया को कुशल सक्षम आत्मनिर्भर बनाते हैं। हमारे बिना क्या कोई इंटीरियर काम कम्प्लीट हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। तो हमें वो सम्मान और वो खुद ही लाना पड़ेगा, और जब वो आएगा ना बनवारी जी, और आपके चैनल के माध्यम से कई लोगों में आ भी रहे हैं वो, तो ऑटोमेटिकली बच्चे चूज करके इसमें जुड़ेंगे, और वो अच्छे से अच्छा काम करके कर सकते हैं। और ये केवल लड़कों के लिए नहीं है, आपको ताजुब होगा गए से गए साल के अंदर में वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में जो दूसरे स्थान पर आई थी वो स्वीडन की एक लड़की थी। तो ये आज हमारा बच्चा, कोई भी बच्चा हो, वो आगे बढ़ सकता है, और वो भारत को और खुद को कुशल सक्षम और आत्मनिर्भर बना सकता है। जैसे सर मैंने आपके स्किल इंडिया की तरफ से देखा कि विदेशों तक बच्चों ने जैसे कंपटीशन किए हैं, जैसे हमारे इधर जैसे इंडिया के क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, कई गेमों में ऐसे होते हैं टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, तो मैंने देखा तो हमारे जैसे वुडवर्किंग में भी ये चांस मिल रहा है। तो सर ऐसे जो उनसे ये नए नए काम हो रहे हैं, जैसे नई नई चीज़ें आप लेके आ रहे हो, क्योंकि इंडिया के कारपेंटरों के लिए कभी किसी ने ऐसी पहल की नहीं है, जो उनसे आपने ये ऐसी पहल की है। एक बार दोस्तों मैं चाहता हूँ कि राहुल मेहता जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ, सभी से मैं ये प्यार चाहता हूँ। तो सर ऐसे जैसे आप कंपटीशन बाहर कराते हो, तो ये किस तरीके के आपको जिनसे बच्चे, जैसे एक गांव का कारपेंटर है जैसे उसको कुछ नहीं आता, वो आपसे जुड़े कैसे जुड़ेगा, उसका क्या क्या प्रोसीजर है? जी देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आज हमारी क्षेत्र में भी आज वुडवर्किंग सीखने पर भी आपको इंडिया जैसे विराट कोहली जैसे इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है, सानिया नेहवाल जैसे कर रही है, उसी तरह से आज हमारे भी वुडवर्किंग कम्युनिटी में जो काम कर रहे हैं विश्वकर्मा जो है, या जो वुडवर्किंग काम सीख रहे हैं, उनके पास भी मौका है कि वो इसी तरह का जो स्किल कंपटीशन होता है, जैसे ओलंपिक्स होता है स्पोर्ट्स के लिए, वैसे ही ओलंपिक्स होता है स्किल्स का भी, हुनर का भी, उसमें बच्चा कारपेंटरी में, कैबिनेट मेकिंग में, ज्वाइनरी में, उसमें जाकर वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसके चलते आपको, जैसे आप एथलेटिक्स में डिस्ट्रिक्ट पे खेलते हो, स्टेट पे खेलते हो, नेशनल खेलते हो, और फिर विदेश जाने का मौका भी लगता है, उसी तरह से आप इसके अंदर में भी हुनर के चलते
अलग अलग लेवल को पार्टिसिपेट करते हुए विदेश जा सकते हो। 2017 से हमारा देश भी वुडवर्किंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। 2017 में एक बच्चा गया था, 2019 में दो बच्चे गए थे और 2022 में अभी स्विट्जरलैंड के अंदर में तीन बच्चे जाके आए हैं, ज्वाइनरी, कैबिनेट मेकिंग और कारपेंट्री के अंदर ट्रेड में खेल के आए हैं। और आप टैलेंट देखेंगे वहाँ पर, आप जो उत्साह देखेंगे ऐसा लगता है मानो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। वहाँ पर उनके परिवार वाले लगे हुए हैं उनके साथ में, उनके दोस्त लगे हुए हैं, उनके लिए चीयरिंग कर रहे हैं। जैसा हम क्रिकेट के मैदान में देखते हैं जो उत्साह होता है, वो सेम उत्साह वहाँ होता है। तो ये किसी भी तरीके से ये करियर ऑप्शन या ये करियर अपॉर्चुनिटी किसी और करियर से कम नहीं है, इसको हम कम ना आके, इसमें बहुत पैसा भी है, करियर भी अच्छा बन रहा है और आगे स्कोप भी बहुत अच्छा है और आप देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। सर राहुल जी, कई हमारे जैसे कस्बे गांव हैं तो सर उसके अंदर वुडवर्किंग के कारीगर ऐसे जैसे जिसको हम बोलते हैं डायमंड जी, वो ना सामने आ ही नहीं पाते कुछ तो पढ़ाई की वजह से। वो सर ऐसे डायमंड हैं यानी कि तराशे हुए हैं, सिर्फ ना सर उनके ऊपर रोशनी पड़े ना वो चमक उठेंगे। सर बनवर जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे कोई भी लोग हैं जो अभी अभी नंबर बताया उस पर आप कॉन्टैक्ट करें हमारे से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पढ़ाई कितनी करी हुई थी, आपका हुनर है तो हुनर की पहचान होगी और हुनर की पहचान के बेसिस पर आप, हो सकता है कि शायद आप ट्रेनर बन जाएं, आप चाहे उनको ज़्यादा लोगों को सिखा पाएं, आप एक फॉर्मल वे में उनको सिखा पाएं, वो करने का काम हमारा है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है ऐसी तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम चाहते हैं कि भारत के छुपे हुए इन हीरो की खोज की जाए और उनको हम सही प्लेटफॉर्म पर ला सकें। आज कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो चाह रही हैं कि उनके साथ में ऐसे हुनरमान लोग जुड़ें और काम करें, पर वो ढूंढ नहीं पा रहे, तो शायद आपके चैनल के माध्यम से आज हम उन तक भी पहुंच पाए। तो अगर आपको लगता है कि आपको काम आता है और आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, पढ़ाई की चिंता ना करें, पढ़ाई आपके सफलता के बीच में माध्यम नहीं बनेगा कि वो उसके कारण आपको रुकावट आ रही है। आप अगर हुनर रखते हैं तो इस नंबर पर बता दें और हम आपके साथ में कनेक्ट करके आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे उसके अंदर में। अच्छा सर, कई कारपेंटरों ने जैसे ये मुझसे सवाल पूछा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जैसे मुझे 10 से 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए, क्या मुझे स्किल इंडिया में नौकरी वगैरह मिल सकती है कारपेंटर की? जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये देखिए, जो आज कारपेंटर भाई हमारे काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज मौके बहुत बढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जब काम में लग जाते हैं तो हम नई टेक्निक नहीं सीख पाते, नई ट्रेनिंग नहीं ले पाते, नए प्रावधान क्या आ रहे हैं मार्केट में वो नहीं समझ पाते। मैं देश देश में अलग अलग कोने में कारपेंटर भाइयों से मिला हूँ, कॉन्ट्रैक्टर भाइयों से मिला हूँ, मैं अभी भी देख रहा हूँ वो पुरानी टेक्निकों के साथ में काम कर रहे हैं। और जब हमने उनसे चर्चा करी, हमने उनको बताया तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये भी नई चीज़ें आ रही हैं पर हम इसको सीखें कैसे। अब आपने जब ये बात करी कि भाई जो आपको नई नौकरी करनी है या आपको नया प्रोजेक्ट करना है या नई ट्रेनिंग का करना है, उसके लिए आपको अपने नए स्किल्स को जानना ज़रूरी है और जो स्किल अभी है उसकी पहचान कराना ज़रूरी है। तो इसके लिए फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल, जिस संस्था को मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसने आपके लिए रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसको बोलते हैं आपके स्किल की पहचान, मेरे हुनर की पहचान, और साथ ही साथ में अपस्किलिंग, मतलब अपने हुनर को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अन्य कार्यक्रम लगाए हैं। ऐसे दो कार्यक्रम की मैं बात आज आपके सामने यहाँ करना चाहूँगा। एक कार्यक्रम का नाम है मेरी स्किल मेरी पहचान प्रोग्राम, जिसके चलते आपके पास में, जैसे आज आप जाते हैं मेडिकल टेस्ट कराते हैं, आपको रिपोर्ट कार्ड पता पड़ जाती है कि मेरे को किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का ज़्यादा है, मुझे क्या करना चाहिए, उसी तरह से आप अपने हुनर की भी पहचान करा सकते हैं। उस पहचान से फ़ायदा ये होगा कि आपने हुनर की पहचान करा ली तो आपको पता पड़ जाएगा अच्छा मेरे में ये कमी है, इसके अंतर्गत मुझे थोड़ा और काम करना चाहिए, मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, या मुझे इस पर्टिकुलर नौकरी के लिए ये चीज़ और आनी चाहिए, मेरे को ये चीज़ और इसमें मिल जाएगी। दूसरा ऐसा कार्यक्रम है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि PM विश्वकर्मा करके एक योजना थी जो इन्होंने अभी बजट में लॉन्च करी थी, बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। PM विश्वकर्मा योजना के अंदर में हमारे जितने कारपेंटर भाई हैं, जितने विश्वकर्मा भाई लोग हैं, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम एक तरह से अपनी जीवनी को आगे बढ़ाने का, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। इस प्रोग्राम में चलते आपको 5 दिन का प्रशिक्षण, जिसके अंदर में आपको नई टेक्निक, नई तरह के टूल्स, नए इक्विपमेंट्स, नए तरीके से काम करने की चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ में आपको इसके अंदर में 15,000 रुपये का टूल किट भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको हमेशा कारपेंटर कहते हैं और कारपेंटर भाई लोग कहते हैं कि भाई हमें लोन नहीं मिलता है, लोन की प्रावधान नहीं होता है, इसके अंदर में लोन का प्रावधान भी किया गया है, जिसके अंदर में 85,000 तक का लोन अमाउंट भी आगे देने की बात कही गई है जो लोग इसके ऊपर में ट्रेनिंग प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और देश में जहाँ जहाँ पर भी हमारे कारपेंटर भाई हैं, विश्वकर्मा भाई हैं, वो इससे जुड़े और इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये हमारे लिए ही बनाया गया है। अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हमारे से अवसर चला जाएगा।
तो इसका हम बढ़ चढ़ के फायदा उठाएं और जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पर अपनी इच्छा को व्यक्त करें ताकि हमारी टीम आपके साथ जुड़ सके और आप तक हम ये प्रोग्राम पहुंचा सके। राहुल जी, कोई भी ऐसे कारपेंटर भाई आपके स्किल इंडिया से जुड़ता है काम सीखने के लिए, तो सर उसकी कोई ट्रेनिंग के यानी कि चार्ज वगैरह भी होते हैं? देखिए, कुछ भी अच्छी चीज़ अगर जीवन में करी जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ पैसा तो लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कई कंपनियां सामने आ रही हैं और कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऐसे सामने आ रहे हैं जिसके अंदर में ट्रेनिंग की कॉस्ट कवर करी जा रही है, जिसके हमारी ट्रेनिंग के जो हम करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वो उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट अपने अपने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट से कवर कर रही है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई कंपनियाँ कवर कर रही है। साथ ही में हम कई इंडस्ट्री के लोगों के साथ में मिलकर ऐसे ट्रेनिंग सेंटर भी लगा रहे हैं जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने का आपका जो पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है उसको हमने ढंग से बनाया है, उसके बाद में आपको नौकरी दिलवाने का या आप ऑन द जॉब सीख सकें, क्योंकि हम हर चीज़ आप जानते हैं सारी की सारी चीज़ हम केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं सीख सकते, हमें ऑन द जॉब सीखना ज़रूरी होता है, तभी हम नई नई चीज़ें वहाँ पर जान पाते हैं। तो उसका भी प्रावधान हमने अप्रेंटिसशिप के माध्यम से करा हुआ है। तो कोई बच्चा अगर ट्रेनिंग के बाद में इंडस्ट्री में सीखना चाहता है तो उसके लिए अप्रेंटिसशिप की जा सकती है, उसके बाद में नौकरी का प्रावधान भी हमने करा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुन लिया आपकी सारी बातें, जो आपके सवाल थे मैंने राहुल जी से पूछे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे स्टूडियो में आए हैं, सबसे बड़ा तो हमारे यानी कि स्टूडियो के भी धनभाग हो गए, इनके यहाँ दर्शन हुए, इनके यहाँ कदम पड़े। आप बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों। एक बात में, ये इतने बिजी रहते हैं क्योंकि उनको मिलने के लिए भी यानी कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हमें एक महीना पहले हमें टाइम तो हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। किन के लिए बिजी रहते हैं? ये अपने कारपेंटर भाइयों के लिए बिजी रहते हैं कि अपने देश के आगे तरक्की के लिए भी किसी तरीके से हमारा देश का जो था कारपेंटर है नंबर वन में आए, कि वर्ल्ड के नंबर वन में आए। जैसे आप देखते हो बाहर की, आप कई यूट्यूब चैनल वगैरह देखते हो, जैसे आप हमारा भी देखते हो, तो मेरा तो मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि जो टूल आप बाहर की कंट्री में देखते हो वो टूल मैं आपको इंडिया में भी दिखाऊँ, क्यों राहुल जी? बिल्कुल। और बनवारी जी, मैं आपको शुभकामनाएं रहेंगी और हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो काम यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि ये वर्कशॉप जैसे हम डालते हैं आजकल यूट्यूब पर, जब वर्कशॉप डालते हैं, पहले ऐसा होता था 5-7 साल पहले तक केवल बाहर की चीज़ें देखने को मिलती थी। मैं चाहूँगा कि आपकी वर्कशॉप आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, जान रहे हैं, और आपकी वर्कशॉप और बढ़े, जहाँ पर पूरी तरह से एक वुडवर्किंग के अंदर में क्या क्या चीज़ें की जा सकती है उसकी जानकारी हमारे भाइयों को मिले, और जो भी सीखना चाहता है वुडवर्किंग वो इसको बराबर से सीख सके और आपके वीडियोस के थ्रू माध्यम से भी जो सीख रहा है और आगे से आगे बढ़ सके, यही मेरी शुभकामना रहेगी आपको। दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जैसे आपने सीखना, अब राहुल जी आए थे, मैंने इनसे यही पूछा कि हमारा चैनल कैसे, सर हम जैसे मैं समय के साथ बोलता हूँ, अगर समय के साथ आपने तरक्की नहीं की तो आप पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों, इनके साथ मैंने सलाह की, मशवरा किया कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो राहुल जी, मैं आगे अपने चैनल के लिए क्या करूं जिससे यानी कि और ज़्यादा बढ़े, यानी कि कारपेंटर को यानी कि कारपेंटर भाई हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं? जी बनवारी जी, सबसे पहले तो हमारा जो स्टूडियो है हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करें, और साथ ही साथ में मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइव दिखाएं सबको कि कैसे आप पूरा स्टूडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार लोग बताना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि भैया ये छुपा के रखेंगे वो करेगा, लेकिन मैं को आपकी बात की तारीफ करना चाहूँगा कि आप लोगों को बता के करा रहे हो कि भाई ये बनाने की तकनीक क्या है, चलाने की तकनीक क्या है। तो जैसे आप ये स्टूडियो बड़ा बनाओगे तो उससे उनको भी आइडिया आएगा, हमारे भाइयों को भी आइडिया आएगा, विश्वकर्मा भाइयों को भी आइडिया आएगा कि किस तरह से एक अच्छा वर्कशॉप बनाने से हमारा काम का जो प्रेशर है वो कम होता है और हमारा काम और ज़्यादा कर पाते हैं। मानिए वो आज केवल 2 जगह काम कर पा रहे हैं क्योंकि साइड पे जाके काम करना पड़ रहा है, आपका जैसा अच्छा स्टूडियो उन्होंने बनाया तो वो भी आगे तरक्की करेंगे, 2 की जगह 10 की जगह काम कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी और हमारा सपोर्ट भी रहेगा कि आप अपना स्टूडियो और अच्छा बनाएं, इसमें नए नए तरीके टेक्निक टूल वगैरह लाएं और उनको सिखाते रहें, आपका चैनल भी तरक्की करें और साथ साथ में जो देखने वाले हमारे विश्वकर्मा भाई हैं, कारपेंटर भाई हैं, वो लोग भी तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, जैसे तरक्की करनी, मैं कह रहा हूँ आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। तो राहुल जी ने हमारी आंखें खोल दी हैं, तो काफ़ी देर से चर्चा हो रही थी, हम स्टूडियो के बारे में सोच रहे थे, तो राहुल जी ने बोल दिया कि स्टूडियो को बड़ा करो, तो हमारे बड़े भाई हैं, तो बहुत जल्दी आपको स्टूडियो बिग नज़र आएगा, सबसे बड़ा नज़र आएगा, क्यों राहुल? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हम इजाज़त लेते हैं आपसे, धन्यवाद।